कड़क चाय, इलायची चाय, कश्मीरी चाय, गुड़ वाली चाय, गुड़ इलायची चाय, मसाला चाय, ज़ीरा प्लस चाय, कलौंजी चाय, कैडबरी चाय, कॉफ़ी चाय, ब्लैक चाय, ग्रीन टी, लाल 30 किस्म की सिर्फ चाय है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं और डैडी जी एक स्पेशल पॉइंट पर हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्पेशल चाय मिलती है। अभी चाय के बारे में तो भाई सबको पता होगा, चाहे पाकिस्तान हो इंडिया हो, खास तो पाकिस्तान इंडिया में तो ख़ास तौर पे ज़्यादातर चाय मोस्ट फेवरेट है, ऐसा है नहीं है। घर में कोई हो ना हो, एक बंदा चाय एडिक्ट ज़रूर होता है, जिस जो जब तक चाय नहीं पिए ना उसका दिन होता ही नहीं है। लोग यहाँ पर देखें, फ़िलहाल इस टाइम पे क्वेटा में बहुत सर्दी है, ज़्यादातर लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं, लेकिन ये देखो फिर भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बैठे हुए हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर चाय ना बस एक बहाना मांगती है, कोई यहाँ पर बिज़नेस मीटिंग के लिए आया हुआ है, कोई ऐसी फ्रेंड्स रीयूनियन के लिए आया हुआ है, किसी ने क्या डिस्कस करना है, किसी का क्या मसला है, कोई डेट डिसाइड करने आया हुआ है, बहाना क्या है, सिर्फ चाय। और ये जो है ख़ास तौर पर ये लोग 30 किस्म की चाय आपको ऑफ़र करते हैं क्वेटा में, ख़ास तौर पर 30 किस्म की चाय इनके पास, डिफरेंट तकरीबन 35-40 जो है किस्म के पराठे हैं इनके पास। तो इनकी चाय बहुत स्पेशल है और आज हम इनकी चाय को ही फोकस करेंगे, इनकी चाय ट्राई करेंगे और बताएंगे कैसी है। मुझे फिर भूल गया आप कोई बात कर दो। हाँ ठीक ठीक है बेटा, बस बातें करना शुरू कर दिया, खाना सामने आ रहा, मुझे भूल जाता है, आज मुझे ही भूल गया। अस्सलाम वालेकुम, चाय आज हम लोग आए हैं इधर स्वांगली रोड है, ये बोर्ड ऑफिस है, ये बोर्ड ऑफिस है, सामने बोर्ड ऑफिस देख रहे हैं, ये है हमारा स्वांगली रोड कहते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग आए हैं। ये सैमसोर, ये टी कॉर्नर है, यहाँ पे चाय है इनके पास, पराठे और बहुत सारे आइटम हैं, बर्गर वगैरह हैं, बर्गर्स हैं, पराठे वगैरह हैं, ब्रेकफास्ट है, आइसक्रीम्स हैं, फालूदा बेवरेजेस, बर्गर्स। आज इनकी जो चाय है स्पेशल चाय, बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, और इनकी चाय की आपको आज पी करके आपको जो है इसका रिव्यू देते हैं। राजा जी जो We'll be right back.
इनकी ये स्पेशलिटी है अरेबिक पराठा है ये। वैसे तो इनके पास काफ़ी किस्म के पराठा है, लेकिन इनका मोस्ट स्पेशल और मोस्ट रनिंग पराठा है वो यही है। तो इससे पहले ये ठंडा हो, इसको ट्राई करते हैं। इसमें तो काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही है भाई। चिकन है, इसकी टॉपिंग हुई भी है यार। वैसे ऐसे तो पता नहीं लगेगा, इसमें काफ़ी वेजिटेबल्स भी हैं। जब तक बाइट नहीं मारेंगे पता नहीं लगेगा कैसा है। देर यू गो। वाकई में बहुत मजे का यार ये। अच्छा, इनके ओनर से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे इसके इसके अंदर जो है मशरूम्स, ऑलिव और कई अरबिक चीजें इसमें डलती हैं। काफी चीजें हैं और टेस्ट क्या बात है, वाह। अलग से चीज़ी टेस्ट आ रहा है। हम जो शॉर्मा खाते हैं ना, अरेबिक टेक्सचर आता है वो आ रहा है इसमें। रोल खाते हैं, चीज़ी फ्लेवर आता है वो आ रहा है इसमें, लेकिन है ये पराठा। अमूमन हमने पराठे हर जगह खाए हैं, कराची में भी खाए हैं, कोयटा में भी आज कर रहे हैं, लेकिन ये साइज देखें पराठे का, इतना मोटा और फिल्ड पराठा मैंने अब तक फिलहाल नहीं खाया। आज इसमें चीज़ भी है, चीज़ से भरा हुआ है, साथ में इसमें मशरूम का टेस्ट है। चिकन भी दो तीन टाइप की डली हुई है, एक नहीं है, और साथ में वेजिटेबल्स हैं और चीज़ बहुत मज़े की है। अच्छा, मशरूम्स भी हैं, मशरूम्स भी हैं। ये असफार, चाय कौन सी ऑर्डर की आपने? गुड़ वाली। अच्छा, कश्मीरी चाय भी बन रही थी, कश्मीरी चाय भी वो ऑर्डर किया। अगर किसी ने चाय पीना है और कश्मीरी चाय का मूड है या गुड़ वाली चाय का, खासकर सर्दियों में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, फैमिली को ला सकते हैं। फैमिली की जो जगह तो यहाँ नहीं है, लेकिन आप गाड़ी में बैठ कर ये सब कुछ चख सकते हैं, खा सकते हैं। मेरे से पूछो ना, 10 out of 10, वाकई में बहुत मज़े का है। यहाँ पर आओ, आओ और ट्राई करो, फिर कमेंट में बताओ कैसा लगा। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नहीं लगी, बहुत ज़बरदस्त, नो डाउट। बाकी इसके साथ अब उसकी सॉस की ज़रूरत नहीं है, पहले ही इतना फील्ड है ना, अब उसी चीज़ की साथ में ज़रूरत नहीं है। ट्राई करो, करता हूँ, चाय आ जाए चाय के साथ। भाई 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 भाई, स्पेशल गुड़ वाली चाय है। अच्छा, चाय की स्पेशलिटी पता है क्या है? चाय के ऊपर ये जितने बुलबुले बने होते हैं ना, मतलब ये उतनी कड़क और उतनी टाइट होती है। तो और चाय, ऐसी चाय को ठंडा करना या फिर इसको ना कहना बहुत ही गलत बात है, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। तो पहले बात नहीं करूँगा, पहले एक सिप लूँगा फिर बताऊँगा कैसे। वाह वाह वाह, गुड़ का टेस्ट, इलायची का टेस्ट, वो पत्ती का टेस्ट और दूध, हाई क्वालिटी दूध। खैर, चाय बननी थी, आपने देखा कैसे जोश कर रहे होते हैं, कैसे इसको फिल कर रहे होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त चाय, नो डाउट। अच्छा, चाय और इसका मिक्सचर ट्राई करते हैं, ये कैसा है, चीज़ से भरी हुई बाइट। वाह, मजा आ गया भाई। आप मिस कर रहे हो तो आप खा नहीं रहे। अच्छा, दो स्पेशलिटी थी हमने आपको दिखाया, पहले इनके ये अरेबिक स्पेशल अरेबिक पराठा और साथ में इनकी गुड़ वाली चाय। खैर, इनकी चाय सारी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मैंने पहला ट्राई किया है, ये इतना अच्छा है, तो बाकी भी यकीनन अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आएँ संतोष, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगा
आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और सबसे पहले मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू गाइस। हमें ये देख के वाकई में बहुत खुशी होती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हैं, वो हमें इंडिया से भी देख रहे हैं, हमें यूएई से भी देख रहे हैं, यहाँ तक कि हमें यूरोप साइड से भी व्यूअर्स देख रहे हैं और यहाँ तक कि हमें इंडियन कमेंट्स भी आते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू गाइस। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसी तरह का और कॉन्टेंट चाहिए या फिर हमसे कोई और आपको कोई इंक्वायरी करनी है, कोई चीज़ मालूम करनी है, हम किसी तरह आपको असिस्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट में हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। रेडी जी? अच्छा, हम तो ये कहेंगे जी सब्सक्राइब करें हमें और चैनल हमारा जो है शेयर करें, और अगर आपको पसंद आता है हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो उसमें ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं मज़ीद, और हम कहाँ जाएं, कहाँ की वीडियो बनाएं, किस उसका रिव्यू दें आपको। अब इजाज़त चाहते हैं हम लोग, हम इजाज़त दें, खुदाए पामान, खुदाए पामान।